अभी सोलेंतु सीरीज का एपिसोड 31 चल रहा है और हम सभी पहले से जानते हैं कि वांग डोंग असल में तांग वूटोंग है, तांग सैन और शाओ की बेटी। आगे सीरीज में सी गॉड ब्लाइंड डेट फेस्टिवल नाम से एक एपिसोड आएगा जिसमें वांग डोंग युहाओ को अपनी असली पहचान बताएगा। सी गॉड ब्लाइंड डेट फेस्टिवल साल में एक बार होता है। उस दिन के रात को कई स्पेशल इवेंट्स होंगे और उनमें से एक है ब्लाइंड डेट, जिसमें श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट्स अपने लवर्स को प्रपोज कर सकते हैं या किसी के साथ डेट पर जा सकते हैं। अब उसी रात को एक स्पेशल गेम चल रहा था जिसमें श्रेक एकेडमी के मेल और फीमेल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। सभी फीमेल स्टूडेंट्स ने ट्रेडिशनल मास्क के साथ एक जैसी कपड़े पहनी हुई थी और कोई भी उनके चेहरे नहीं देख सकता था। और अब मेल स्टूडेंट्स को एक एक करके सब फीमेल स्टूडेंट्स के सामने जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करना था और साथ ही अपनी पावर लेवल भी दिखाना था। उसके बाद फीमेल स्टूडेंट्स अपनी पसंद के मेल स्टूडेंट को चुन सकती है। फिर एक एक करके सभी मेल स्टूडेंट्स फीमेल स्टूडेंट्स के सामने गए और अपनी ताकत दिखाने लगे। कुछ देर बाद युहाओ की बारी आ गई, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वह वांग डोंग को ढूंढ रहा था। ये वांग डोंग कहाँ है? मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। वो यहाँ सी गॉड फेस्टिवल में आया भी है या नहीं? इसके बाद युहाओ फीमेल स्टूडेंट्स के सामने जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है। हालांकि फीमेल स्टूडेंट्स अपना चेहरा छिपा रही थी, लेकिन युहाओ उनकी मर्सल सोल पावर को सेंस करके पहचान लेता है कि मास्क के पीछे कौन कौन है। मगर जब युहाओ ने दूसरे नंबर पर खड़ी मिस्टीरियस फीमेल स्टूडेंट के बारे में जानने की कोशिश की तो वह कंफ्यूज होकर कहने लगा, ये फीमेल स्टूडेंट कौन है? इसके पास वांग डोंग के जैसी सेम मर्सल सोल क्यों है? क्या वो वांग डोंग की बहन हो सकती है? लेकिन अगर वो है भी तो क्या वो मेरे साथ डेट पर जाना चाहेगी? मेल स्टूडेंट्स के इंट्रोडक्शन के बाद फीमेल स्टूडेंट्स अपने पसंदीदा पार्टनर को चुनने लगी। फिर नंबर 2 वाली लड़की की बारी आ गई। हर कोई सोच रहा था कि वह किसे चुनेगी। तभी वह मिस्टीरियस लड़की युहाओ की ओर जाती है और उसे चुन लेती है। ये देखकर युहाओ काफी हैरान रह जाता है। पता चलता है कि दो और लड़कियों ने युहाओ को चुना। उनमें से एक थी निंग तियान। अगर आप लोग निंग तियान के बारे में भूल गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमने उसे फ्रेशमैन एग्जाम के दौरान देखा था। अगर मुझे सही से याद है तो हमने उसे सोलेंतु सीरीज के एपिसोड 10 में देखा था, जिसमें उसकी टीम युहाओ की टीम से हार गई थी। और तीसरी लड़की जिसने युहाओ को चूज किया वो कोई और नहीं बल्कि लिंग लोचेन है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि लिंग लोचेन युहाओ को पसंद करती है। इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं अगर चाहे तो। इसके बाद तीनों लड़कियां युहाओ के पास खड़ी हो जाती है। अब जब तीन लड़कियों ने युहाओ को चुना है तो उन्हें युहाओ के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होगा। सबसे पहले लिंग लोचेन कहती है, युहाओ तुम ही हो वो जो मुझसे मैच करता है। तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो और मैं हमेशा तुम्हें देखती आ रही हूँ। मुझे चूज करो। अगर तुमने मेरे रहते किसी और को चूज किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर निंग तियान ने युहाओ से कहा, अगर तुम मुझे चुनोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ और मैं तुम्हें सपोर्ट भी करूँगी। अब उस मिस्टीरियस लड़की की बारी थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा बल्कि उसने अपनी सोल रिंग्स एक्टिवेट कर दिए, जिसे देखकर युहाओ चौंक गया। उसकी सोल रिंग्स भी लगभग वांग डोंग जैसी ही है। कहीं ये वांग डोंग की जुड़वा बहन तो नहीं? युहाओ ने वापस कहा, मैं थर्ड लड़की को चुनता हूँ। ये सुनकर लिंग लोचेन और निंग तियान गुस्सा होकर बोलने लगी, अगर वो वही लड़की है जिसे तुमने चुना है तो मैं उसे लड़ना चाहती हूँ और तुमसे भी। उस समय दाई हुआ बिन ने भी कहा, मैं युहाओ से लड़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वो लड़की चाहिए। ये सब सुनने के बाद इवेंट ऑर्गेनाइजर कहती है, वे सभी लड़ना चाहते है इसलिए 3 मैच होंगे और युहाओ को हर एक मैच लड़ना होगा। युहाओ क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो? युहाओ ने कहा कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बीच में वो मिस्टीरियस लड़की बोलती है, मैं इससे अग्री नहीं करती। मुझे नहीं लगता उनसे अलग अलग लड़ने की जरूरत है। मैं युहाओ के साथ टीम अप कर लूंगी और वे सभी एक ही समय में हमसे बैटल कर सकते हैं। युहाओ ने उस मिस्टीरियस लड़की की आवाज पहले भी कहीं सुनी थी लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। तभी अनाउंसर कहती है कि ये रूल्स के अगेंस्ट है। तब वह मिस्टीरियस लड़की कहती है, आज का दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने इस दिन का लंबे समय से इंतजार किया है। यहाँ मौजूद सीनियर सिस्टर्स, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब आप अपने लवर से मिलने जा रही हो और अचानक कोई तीसरा व्यक्ति आपका रास्ता रोक दे तो आपको कैसा लगेगा? प्लीज मुझे युहाओ के साथ टीम अप करने दीजिए। मिस्टीरियस लड़की की बातें सभी मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के दिल को छू जाती है। वे सब कहने लगे, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। युहाओ सोच रहा होता है, रुको क्या इस लड़की का मतलब है कि ये मुझे लाइक करती है?
फिर वो लड़की युहाओ के बहुत पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही उस लड़की ने युहाओ के हाथ को छुआ तो युहाओ की सोल फोर्स वाइब्रेट होने लगी और उस मिस्टीरियस लड़की की सोल फोर्स के साथ मैच होने लगी। ऐसा सिर्फ तब होता है जब दो सोल मास्टर्स फ्यूजन टेक्निक यूज करने के लिए कंपेटेबल होते हैं। और युहाओ को पहले से ही ऐसी फीलिंग्स का एक्सपीरियंस हो चुका है जब उसने फ्यूजन मूव्स का यूज करते समय वांग डोंग के हाथ को छुआ था। फिर युहाओ ने उस लड़की से कहा, क्या तुम वांग डोंग हो? तब वांग डोंग यानी तांग वूटोंग ने कहा, तुमने ये जानने में बहुत समय लगा दिया, तुम एक इडियट हो। युहाओ सोचता है, जब हम एक ही रूम में एक साथ रहा करते थे तो हमने कभी साथ में नहीं नहाया। वांग डोंग तब कपड़े बदलता था जब मैं कमरे में नहीं होता था। अब सब समझ में आ रहा है, मैं एक बहुत बड़ा इडियट हूँ। फिर युहाओ ने तांग वूटोंग से कहा, तुमने इस इडियट के लिए इतना कुछ सहा और किया, क्या तुम इस इडियट को एक चांस दे सकती हो? अगर तुमने इस इडियट को एक्सेप्ट नहीं किया तो ये बहुत दुखी हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर टांग वूटोंग काफी इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर उसने युहाओ से धीरे से कहा, तुम मेरे इडियट हो। युहाओ और टांग वूटोंग एक दूसरे का हाथ पकड़े रहे और शर्माते रहे। वे ये भी भूल गए कि वे गेम के बीच में थे। तभी दाई हुआबिन कहता है, हो युहाओ, तुम हमारे खिलाफ नहीं जीते हो, ये सब प्रपोजल और प्यार भरी बातें छोड़ो और पहले हमसे लड़ो। तब युहाओ ने कहा, वांग डोंग, हम ये बैटल जरूर जीतेंगे। गुस्से में दाई हुआबिन कहने लगता है, बेतुकी बातें मत करो, तुम नहीं जानते कि मैंने पिछले कुछ सालों में कितनी कड़ी ट्रेनिंग की है, ये सब आज के लिए था। पास में तुमने मेरा जो बेइज्जत किया था उसका मैं आज बदला लूंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अब मैं कितना स्ट्रांग बन गया हूँ। उसने फिर निंग तियान से कहा, निंग तियान, हमारे लिए एक प्रोटेक्शन बैरियर बनाओ, आज मैं उसके घमन को चूर चूर कर दूंगा। इस पर निंग तियान कहती है, तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है क्या करना है। हो युहाओ, उसने उस लड़की को चुना जिसने अब तक अपना चेहरा भी नहीं दिखाया, मैं एक जीनियस हूँ। हो युहाओ, तुम्हें खुशी के आंसू रोने चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे लो बैकग्राउंड वाले का सपोर्ट करने को तैयार हूँ। ये कहते हुए वह दाई हुआबिन के चारों ओर एक प्रोटेक्शन बैरियर बना देती है। तभी लिंग लोचेन ने भी कहा, हो युहाओ, मैं तुमसे पहले भी लड़ चुकी हूँ और मैं तुम्हारी पावर से इम्प्रेस भी हुई हूँ, लेकिन दुख की बात है कि तुमने मुझे नहीं चुना। फिर लिंग लोचेन अपनी आइस मर्सल सोल का यूज करके उन पर हमला करने लगती है। साथ ही दाई हुआबिन भी वाइट टाइगर फॉर्म में बहुत तेजी से युहाओ पर अटैक करने जाता है। उसी समय तांग वूटोंग तेजी से अपनी रेडियंट बटरफ्लाई मर्सल सोल को एक्टिवेट कर देती है और फिर युहाओ के साथ उनके अटैक्स को डॉज करने लगती है। ये देखकर गुस्से में दाई हुआबिन ने कहा, तुम सिर्फ फ्लाइंग टाइप स्किल्स का यूज करके मेरे हमलों से बचना जानते हो, अगर तुम एक असली मर्द हो तो मुझसे आमने सामने लड़ो। ये सुनकर युहाओ कहता है, हमने पहले भी कई लड़ाइयां लड़ी है लेकिन क्या तुमने कभी मुझसे कोई लड़ाई जीती है? ये कहते हुए युहाओ दाई हुआबिन की ओर एक एनर्जी बीम रिलीज कर देता है। अब वो देखकर दाई हुआबिन कहने लगा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये वीक लाइट बीम अटैक मुझे हराने के लिए काफी है? फिर उस लाइट बीम को डिस्ट्रॉय करने के लिए दाई हुआबिन ने वाइट टाइगर शॉक वेब से काउंटर अटैक किया, लेकिन वह लाइट बीम दाई हुआबिन के वाइट टाइगर शॉक वेब को चीर कर निकल गया और साथ ही उस पर जा लगा। वो अटैक लगने के बाद दाई हुआबिन एक ही जगह पर गोल गोल घूमने लगा। लिन लोचेन और निंग तियान ने भी एक साथ हमला करने की कोशिश की लेकिन वे युहाओ के खिलाफ कुछ नहीं कर सके, वे तीनों बुरी तरह से हार गए। हालांकि युहाओ जान चुका था कि वांग डोंग एक लड़की है मगर उसने अब तक उसका असली चेहरा नहीं देखा था, इसलिए उसने तांग वूटोंग से शर्माते हुए पूछा, मैं तुम्हारा असली चेहरा देखना चाहता हूँ, क्या मैं देख सकता हूँ? तांग वूटोंग ने सिर हिलाकर हाँ कहा। फिर जब युहाओ वह ट्रेडिशनल मास्क उतारने वाले थे तो तांग वूटोंग घबरा गई, क्या युहाओ को मेरा असली चेहरा पसंद आएगा? क्या होगा अगर उसे मेरा चेहरा पसंद नहीं आया और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया? युहाओ साफ साफ देख पा रहा था कि तांग वूटोंग घबरा रही है, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर मास्क हटा दिया। जब उसने मास्क हटाया तो तांग वूटोंग के चारों ओर तेज रोशनी फॉर्म होने लगी। उसके लंबे और सुनहरे बाल चमक रहे थे और वह ऐसी लग रही थी जैसे वह स्वर्ग से आई हो। हर कोई उसे देख रहा था, वे अपनी पलकें भी नहीं झपका रहे थे। दाई हुआबिन जो गुस्से में था वह भी अचानक शांत हो गया और टांग वूटोंग को देखने लगा। श्रेक 7 मेंबर्स जैसे बेबे, साइतो, जू सांसी, नानान, शाओ शाओ और बाकी श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट्स जो वांग डोंग को पहले से जानते थे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वांग डोंग एक ब्यूटीफुल गॉडेस है। वे तांग वूटोंग को घूरते रहे और अभी भी उन्हें यकीन नहीं हो पा रहे थे कि वांग डोंग सच में एक लड़की है। युहाओ तो पूरा अंदर से हिल चुका था, उसे लगा कि ये सब बस सिर्फ एक सपना है, लेकिन जब उसे रियलाइज हुआ कि ये कोई ड्रीम नहीं है तब उसके मुंह से बस एक सेंटेंस निकला, इतने साल में एक गॉडेस के साथ रह रहा था। तब तांग वूटोंग उससे कहती है, मेरे परिवार में भेस बदलने की एक टेक्निक है
जिससे मैं अपने चेहरे के शेप और वॉइस को थोड़ा बदल सकती हूँ। हालांकि बदलाव इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन उन्हें बताना काफी मुश्किल है। तभी युहा उसे ध्यान से देखकर कहता है, मैं देख सकता हूँ कि तुम काफी अलग लग रही हो। तुमने खुद को एक यंग बॉय के रूप में इतनी अच्छी तरह छुपाया। ये सुनकर टांगू तो गुस्सा होने की एक्टिंग करती है और कहती है, मुझे माफ करना, वैसे भी तुम्हारे पीछे बहुत सारी लड़कियां हैं, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। तब युहा उसका हाथ पकड़ कर कहता है, तुम सॉरी मत बोलो, मैं स्टूपिड हूँ। क्या तुमने पहले ही नहीं कहा कि मैं तुम्हारा इडियट हूँ? अब अपनी बात से पीछे मत हटना। मेरा दिल पहले ही एक गॉडेस ने ले लिया है और उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। इसके अलावा अब वो गॉडेस मेरे पास खड़ी है। ये सुनकर टांग उतोंग मुस्कुरा कर बोली, इडियट में मजाक कर रही थी। उसके बाद सी गॉड ब्लाइंडेड फेस्टिवल खत्म हो गया और युहा और टांग उतोंग उस गेम के विनर बन गए।